लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 स्विफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, टॉप 5 स्विफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 स्विफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड टॉप मॉडल इन दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर एक्स कोड एंड चेक इन दिस टॉप 5 स्विफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। सो स्विफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन चेक इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंपेयर टू टपल्स टू इंज्योर देयर वैल्यू आर आइडेंटिकली। हाउ वुड यू कंपेयर टू टपल्स टू एंज्योर देयर वैल्यू आर आइडेंटिकली। एंड सो वी कैन ओपन योर वी कैन चेक ऑन दिस इन दिस क्वेश्चन आंसर्स। सो इन दिस आंसर सो स्विफ्ट प्रोवाइड ऑटोमेटिकली टपल, स्विफ्ट प्रोवाइड ऑटोमेटिकली टपल कंपेरिजन इवर सिंस स्विफ्ट 2.2 एंड यू कैन जस्ट यूज इक्वेलिटी ऑपरेटर इन टू टपल्स। यू कैन यूज जस्ट इक्वेलिटी ऑपरेटर इन टू टपल्स टू कंपेयर आइटम बाई आइटम टू कपल टपल कंपेयर आइटम बाई। वी गोना चेक ऑन दिस आंसर, वी गोना क्रिएट ऑन दिस एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल वी गोना क्रिएट ऑन दिस लेट टपल वन इज विच इज टाइप ऑफ इन दिस पैरामीटर सपोज विच हैव ए डबल एंड विच हैव ए डबल एंड विच हैव ए इंटीजर। वी गोना एक्सेस ऑन दिस पैरामीटर, वी गोना इनिशियलाइज इन दिस टपल 1.0 एंड दिस इज अ 1.0 एंड दिस इज अ 1 सॉरी विच हैव कॉमा सेपरेटर इन दिस फर्स्ट टपल। वी गोना क्रिएट ऑन दिस सेकेंड टपल एंड इन दिस सेकेंड टपल ओके इन दिस सेकेंड टपल वी गोना क्रिएट ऑन द फर्स्ट टपल एंड सेकेंड टपल। वी गोना कंपेयर इन दिस इक्वेलिटी ऑपरेटर, वी गोना अप्लाई ऑन दिस इफ कंडीशन, इफ वी गोना अप्लाई ऑन दिस कंडीशन सो टपल वन इज इक्वल टू इक्वल टू इक्वेलिटी ऑपर यूज ऑफ इक्वेलिटी ऑपरेटर एंड टपल टू अदरवाइज कंडीशन इज ट्रू। वी गोना क्रिएट ऑन दिस प्रिंट स्टेटमेंट, वी गोना क्रिएट ऑन दिस प्रिंट स्टेटमेंट टपल आर इक्वल, टपल आर इक्वल एंड वी गोना क्रिएट ऑन दिस एल्स स्टेटमेंट, वी गोना क्रिएट ऑन दिस प्रिंट स्टेटमेंट नॉट इक्वल ओके। दिस इज वी गोना रन ऑन दिस एप्लीकेशन टपल आर इक्वल, वी गोना चेक ऑन दिस टपल आर इक्वल इन दिस टपल आर इक्वल सपोज वी कैन चेक ऑन दिस टपल आर इक्वल दिस इज 1.0 डबल वी कैन एक्सेस ऑन दिस डबल पॉइंट पॉइंट एप्लीकेशन बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑन दिस एप्लीकेशन एंड वी कैन सो ऑन दिस रिक्वायर्ड ऑन दिस एप्लीकेशन बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑन दिस कंडीशन एंड यू आई ऑन दिस एप्लीकेशन। सो इन दिस केस वी गोना चेक ऑन दिस अलाइनमेंट बट इट्स रिमूव ऑन दिस कंडीशन इन दिस केस। सो वी गोना डिफरेंट डिफरेंट आंसर इन दिस टपल, वी गोना चेक दिस इज ए 3.0 12.2 वी गोना सेंड 12.2 एंड दिस इज टपल आर नॉट इक्वल इन दिस नॉट इक्वल इन दिस टपल दिस इज ए नॉट इक्वल वी गोना एक्सेस दिस इज ए टू टपल कंपेयर इन दिस इक्वलिटी ऑपरेटर बाय यूजिंग ऑफ इक्वलिटी ऑपरेटर इन दिस टू टपल ओके इन दिस क्वेश्चन ऑफ सोल्व। सो वी गोना चेक ऑन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी गोना चेक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फाइनल कीवर्ड डू एंड व्हाई वुड यू वांट टू यूज, व्हाट डज द फाइनल कीवर्ड डू एंड व्हाई वुड यू वांट टू यूज एंड वी गोना चेक ऑन दिस आंसर्स एंड वी गोना चेक ऑन दिस आंसर्स अबाउट दिस से व्हाई वुड यू वांट टू यूज व्हाई वुड यू वांट टू से यू कैन नॉट इनहेरिट इन दिस क्लास व्हाई यू वांट टू से यू कैन नॉट इनहेरिट नॉट इनहेरिट फ्रॉम दिस क्लास एंड इन दिस क्लास सम टाइम ए डेवलपर डज समथिंग वेरी डज समथिंग वेरी सुपर वर्क इन ए क्लास सम टाइम ए डेवलपर डज समथिंग वेरी सुपर वर्क इन ए क्लास यू रियली डोंट वॉन्ट यूजर टू ओवर राइड यू रियली डोंट वॉन्ट यूजर टू ओवर राइड इन हेट पार्ट ऑफ योर कोड इन हेट पार्ट ऑफ योर कोड इन हेट पार्ट ऑफ सपोज वी कैन गेट ऑन दिस ऑफ योर कोड इन हेट पार्ट ऑफ यूर वी कैन अप्लाई ऑन दिस एग्जाम्पल सपोज एग्जाम्पल इन दिस फाइनल कोड वी कैन गेट ऑन दिस क्लास ए एंड वी कैन गेट ऑन दिस प्रिंट स्टेटमेंट वी कैन गेट ऑन दिस फंक्शन but it's not applying this function this is the we're going to create on this class A and we're going to create on this class B okay and inherit in this class A okay then not in this issue but it's not applying this issue this is our is not equal in the first issue but support this in this code in this comment in this code and remove this answer in this question this is a first this is a
सेकेंड क्वेश्चन, वाट आर द फाइनल कीवर्ड डू एंड वाई वुड यू वॉन्ट टू यूज एंड वाई वुड यू वॉन्ट टू यूज वाई वुड यू वॉन्ट टू से इन यू कैन नॉट इनहेरिट इन दिस क्लास, यू कैन नॉट इनहेरिट इन दिस क्लास. समटाइम ए डेवलपर डू समथिंग वेरी सुपर वर्क इन दिस क्लास, वेरी सुपर वर्क इन दिस क्लास. सो यू रियली डोंट वॉन्ट टू यूज द टू ओवर राइड इन दिस कोड एंड इन दिस पार्ट ऑफ इन दिस क्लास कोड and which is type of the final keyword, use of final keyword in this class. This is the final class. We can not inherit in this class. This is the external playground inheritance. Inheritance from a final class A, class B, which is type of inheritance from a final class A, which is inheritance from a final class A, but it's not inherit in this class A. But it's not inherit. Suppose we can remove the final keyword. This is not apply on this, not in this issue, in this inherit in this class. But it's not issue in this inherit in this class, okay? This inherit in this class, but it's not issue inherit in this class, okay? But it's not issue in the inherit in this class. So we're gonna check on this condition in this next question. Suppose remove this, but it's not apply on this cases. But the third question, we're gonna apply on third question. And this is the third question is in which situation. This is the third question is in which situation, but it's not apply on this condition and apply on this. Keyword, but it's not apply on this keyword and condition, but it's not removable on this quotes and in this situation, but it's not apply on this quotes and removable part, but it's not apply on this removable part and quote. So we're gonna apply on this in this situation, in which situation to do shift function not need a return keyword, okay? In the third question, so in situation do shift function. But is in which situation do switch function not need a return keyword? In this question, we're gonna check on this answer. When the function is not supposed a return keyword, return value. When the function is not supposed a return value, in this question answers. Not support in this function, not support in the return value answer. And we're gonna check on the next question in this answer. This is a fourth question. What is the difference between guardlet and iflet? What is this is a superb and top level in this shift questions. What is the difference between guardlet and iflet? What is the difference? Both checks are unlap. In this question answer, we're going to solve this. In this question answer, both checks are an option or the both checks are optional unwrap and optional unwrap. Unwrap optional. But guard forces and is early returns. But guard forces an early return if the check fails. But guard forces an early return if the check fails. Whereas if let variable are available only inside a scope. Whereas if let variable are available in this inside a scope. And this question answer. And we can check on the five question in this answer. Five question answer is the, what is the difference between try and try optional and try force unwrap in Swift? What is the difference between try and try optional and try force unwrap in Swift, okay? And in this question answer, we're gonna play on the we're gonna discuss about try. So a regular by require catch error, a regular by require catch error, this catch error. And we're gonna check on the next question answer of try optional. Convert the throwing call into optional. Convert the throwing call into optional. Where you will get back nil and failure. In this case, get in nil. The try optional. Okay. And we got next question answer is try force unwrap in shift. Try force unwrap in shift. Okay. Will cause your app to crash if the throwing call fails. If the throwing call is fail. So in this try force unwrap in this case. So will cause your app is crash if the throwing call is fail. So thank you for watching this video and this superb five question in Swift interview question in this Swift language.